इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोक कला मंडल मधुबन उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भाजपा ने फिर किया महाराणा प्रताप का अपमान। स्टार प्रचारक ने हल्के शब्दों में किया महिमा मंडन। चुनाव से पहले ही दीप्ति को हुआ भारी नुकसान। क्षत्रिय महासभा ने की कड़ी आलोचना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्त हुआ प्रशासन। लापरवाही करने वालों पर अब होगी दंडनात्मक कार्रवाई। राजसमंद के शर्मा हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंसने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। लापरवाही के मामले में पहले भी सुर्खियों में रहा है अस्पताल। और पत्रकार को धमकाने वाले सेंट मैथ्यूज स्कूल संचालक को किया गिरफ्तार। न्यूज कवरेज के दौरान वीडियो फोटो नहीं बनाने को लेकर दी थी धमकी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के बेलगाम होने की। पात्र स्मरणीय महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी के ऐसे वीर शिरोमणि जिनके स्मरण मात्र से ही रगों में रक्त संचार बढ़ने लगता है। शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की भावभंगिमाएं हमारे अंदर दिखने लगती है। मेवाड़ में कोई भी आयोजन हो, सबसे पहले हम हिंदू सूरज महाराणा प्रताप को ही याद करते हैं। उनकी प्रतिमा के आगे पूजा अर्चना करते हुए किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन मेवाड़ के एक ऐसे नेता जिन्होंने जीवन के चार दशक राजनीति में खपा दिए, राज भी किया और विपक्ष का जिम्मा भी संभाला, वह प्रताप के महिमा मंडन में ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे यह सोचने मात्र से ही लग जाएगा कि यह नेताजी कितने संस्कारित है। खुद को देश की सबसे संस्कारी पार्टी का कद्दावर बताते हैं, फिर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग। आप सभी को तो याद ही होगा, कुछ समय पूर्व वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी की एक सभा में प्रताप की प्रतिमा को पेड़ों के पास रखे जाने का विरोध सिर्फ मेवाड़ ही नहीं पूरे देश में हुआ था। कई राजपूत संगठनों के साथ आवाम ने भी इस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के अलावा किसी स्थानीय नेता या प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की ओर से माफी नहीं मांगी गई। इस मामले में श्री राजपूत करणी सेना अब आक्रोश रैली निकालने की तैयारी में ही थी कि उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक की श्रेणी में आने वाले नेताजी की बेलगाम जुबान ने वह कह दिया जिसे सुनते ही मेवाड़ फिर आक्रोशित हो उठा। आइए आपको दिखाते हैं राजसमंद के आमेट में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति किरण महेश्वरी के लिए वोट मांगने गए नेताजी ने अपने उद्बोधन में प्रताप को शामिल किया और वह सब कुछ कह गए जो असहनीय है। उदयपुर न्यूज इन नेताजी का सिर्फ आवाज सुनाएगा क्योंकि इनका नाम और चेहरा दिखाना अब बेमानी होगा। जिस अशोभनीय भाषा से इन्होंने वीर शिरोमणि का जिक्र किया है उसके बाद तो इनके सम्मान का सवाल ही नहीं उठता। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुकड़ टुकड़ पर होता फिरा? किसके लिए गया था? ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुकड़ टुकड़ पर होता फिरा? किसके लिए गया था? तो सुना आपने, यह थे देश की सबसे बड़ी और प्रदेश की दूसरे नंबर की भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो जब चाहे कुछ भी बोल लें। न तो इनका पार्टी कुछ बिगाड़ सकती है, न ही वह लोग जो हमेशा इनकी हल्की जुबान को सुनते और सहते आए हैं। यह दीप्ति का पक्ष मजबूत करने गए थे या कमजोर, सवाल तो अब यह भी खड़ा हो गया है क्योंकि अपने 40 सालों के राजनीतिक जीवन में कभी भी इनकी स्वर्गीय किरण महेश्वरी से नहीं बनी। यह सर्वविदित भी है और राजनीतिक सूत्र तो यह भी बताते हैं कि यह कभी नहीं चाहते थे कि दीप्ति को टिकट मिले। टिकट चयन में नहीं चलने से खफा यह नेताजी अब प्रचार कर रहे हैं या दुष्प्रचार, यह समझ पाना मुश्किल है। खैर, यह जाने और इनकी सियासत जाने, हम तो यही कहेंगे कि अपने उद्बोधन में इन्होंने जिस तरह से प्रताप को जोड़कर गलत शब्दों का प्रयोग किया है वह माफी लायक नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब नेताजी प्रातः स्मरणी का इस तरह से महिमा मंडन कर रहे थे तब कोई क्यों नहीं बोला।
राजसमंद सांसद दिया कुमारी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई कद्दावर नेता और सैकड़ों की संख्या में जनता उपस्थित थी। किसी के भी रोंगटे उस समय खड़े क्यों नहीं हुए जब इन नेताजी के मुख से प्रताप के महिमा मंडन के दौरान ये शब्द निकले। अपनी दलगत राजनीति को प्रताप से जोड़ा ही क्यों? प्रताप तो हर उस शख्स के स्वाभिमान का प्रतीक है जो भारतीय है, भले ही वह किसी भी पार्टी से नाता क्यों नहीं रखता हो। वीर शिरोमणि प्रताप उसके लिए प्रातस्मरणीय ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वह कम से कम मेवाड़ में तो ऐसे नेताओं को अपना प्रचारक बनाए जो वाकई में संस्कारी हो, जिनकी जुबान मीठी और अंदाज सम्मोहित करने वाला हो, वरना आने वाले समय में जीतना तो दूर पार्टी को ही खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि राजसमंद में दीप्ति महेश्वरी जीतने के लिए काफी मेहनत कर रही है, लेकिन इस उद्बोधन के बाद जिस तरह से जनता में रोष आया है वह कहीं ना कहीं दीप्ति के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। चुनाव में काफी कम दिन बचे हैं और ऐसे समय में इस तरह के विरोध का सामने आना नुकसानदेह ही है। पार्टी को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से नेताजी को स्टार प्रचारक की श्रेणी से अलग कर दे, नहीं तो दूरगामी परिणाम अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं सोमवार को राजसमंद में भी भाजपा की विशाल आम सभा रखी गई। पहले तो केंद्रीय सेवक स्मृति ईरानी के आने की बात सामने आई थी, लेकिन वह नहीं आई। सभा में केंद्रीय जल सेवक गजेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद थे और बेलगाम जुबान वाले नेताजी भी मौजूद थे। सभा के समाप्त होते ही लोगों का विरोध शुरू हुआ और हाय हाय के नारे भी लगाए गए। आइए आपको भी दिखाते हैं किस तरह से भाजपा के स्टार प्रचारक को विरोध झेलना पड़ा। इसके साथ ही दिखाते हैं आपको कि मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए क्या कुछ कहा। कार्यक्रम में एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि महाराणा प्रताप क्या रो रहा था क्या वहाँ, तो ये लैंग्वेज मेवाड़ कभी नहीं सहेगा। ये लैंग्वेज हमारे हमारे पूर्वज है, हमारे आदर्श है। हम इस चुनाव में दीप्ति महेश्वरी जी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज हम लिख के देते हैं दीप्ति जी महेश्वरी को हरा कर मानेंगे। नमस्कार, मैं तनवीर सिंह कृष्णावत, महामंत्री मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा। आज नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया ने राजसमंद में एक विवादित बयान दिया, जिसके अंदर उन्होंने हमारे भारत देश के गौरव आदरणीय प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपशब्द और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे, वे हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातन धर्म और 36 कौम के प्रतीक थे, और 36 कौम के जन नायक के लिए इतनी बेहूदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल करके गुलाबचंद कटारिया ने अपने दिमाग का परिचय दिया कि उनके दिमाग की मानसिक स्थिति आज की तारीख में क्या है। मैं मेवाड़ का एक बालक, एक नागरिक होने के नाते मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ कि गुलाबचंद जी कटारिया अपनी भाषा और मानसिक स्थिति को संतुलन बना लेना। मेवाड़ तो ठीक है, राजस्थान के अंदर किसी भी कस्बे में तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं हो सकती, राजनीति भूल जाओगे। और राजनीति भूल जाओगे इसका कहने का मतलब यह है कि 77 साल के आप हमारे बुजुर्ग हो, आपकी हम इज्जत कर रहे हैं, आप घर बैठ जाओ, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 36 कौम का सारा जो जाति है वो लामबंद है मेवाड़ में। ऊंची राजनीति वोटों के लिए जो आप कर रहे हो ना, इसको आप तुरंत बंद कर देना। मैं पूर्व में भी आपसे आगाह कर चुका हूं कि अपनी हल्की राजनीति के लिए महापुरुषों का नाम और इस्तेमाल और जातिगत राजनीति मत करो। आपके दिवालियापन हो गया दिमाग का, और इसको आप संतुलित रखिए
और अपनी भाषा को संयमित रखिए। मैं पारे राजस्थान के करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना, मेवाड़ क्षेत्र महासभा, अखिल भारतीय क्षेत्र महासभा, समस्त संगठनों से निवेदन करूंगा कि ये गुलाब चंद कटारिया जी जहाँ कहीं भी भाषण देवे इनसे पूछना कि हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप का अपमान इसने किया, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगे इनकी किसी भी जगह कोई सभा नहीं होनी चाहिए, इनको काले झंडे बताओ, इनकी राजनीतिक दिवालियापन करो। मैं किसी राजनीतिक दल के ना पक्ष में हूँ ना विरोध में हूँ, मगर इस तरह का जो भी व्यक्ति अगर कहीं भी कोई सभा करे, मैं हनुमान जी बेनीवाल से भी निवेदन करूंगा कि आप इन सतीश जी पुनिया से पूछो, क्योंकि जैसे हमने महाराज चेता जी का सम्मान करते हैं उसी प्रकार महाराणा प्रताप का सम्मान होना चाहिए। भाई हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी लामबंद होके हमारे महापुरुषों की जो आप लड़ाई लड़ रहे हो सम्मान की, उसमें ये 36 कौम आपके साथ में है और आप भी लड़ रहे हो, वैसे मेवाड़ के इस महाराणा प्रताप का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, इनका खुला विरोध होना चाहिए और इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने गलती करी है। और जब तक ये व्यक्ति, मैं व्यक्ति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इनके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई शब्द नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगो, वरना 36 कौम आपको याद करा देगी कि महाराणा प्रताप का सम्मान हम कितना करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो भी राजनीतिक हैं, जो सस्ती और हल्की भाषा का प्रयोग करके वोटों की राजनीति करते हैं, इनको आप विरोध कर दीजिए, अन्यथा हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के ऊपर ये कालिख पहुँच जाएंगे और इन जैसे नेताओं ने हमारे समाज को वर्ग में बाँट दिया है और वर्ग विभाजन कर दिया है, इसलिए इनको जवाब देना जरूरी है, वरना हमारे चुप रहने की प्रवृत्ति से इन जैसे बेलगाम बेभाषा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं का तुरंत प्रभाव से विरोध करो और इन लोगों को एहसास कराओ कि 36 कौम अभी सोई हुई नहीं है। धन्यवाद। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने आज राजसमंद में जो भाषण दिया वे बहुत निंदनीय है और उसको सहन करने की हमारे में क्षमता नहीं है। राणा प्रताप के लिए जिस तरह के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्होंने वो उनको शर्म आनी चाहिए कि राणा प्रताप जैसे व्यक्ति जो कि पूरे विश्व में मेवाड़ के राणा और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जिनका नाम मशहूर है, उनके लिए रोता फिरना और ऐसी बातें करना बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहता हूं कि कटारिया साहब अपनी बात को वापस लें और जनता के सामने अपने माफीनामा पेश करें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी राणा प्रताप के अपमान किया था, वल्लभ नगर में ही बटेवर में जब कार्यक्रम हुआ था उसमें राणा प्रताप के चित्रों को, उनके मूर्तियों को अपने पांवों में रख दिया था, जिसके लिए अपने सांसद जो हैं सीपी जोशी जी, उन्होंने तो माफीनामा दिया, लेकिन अभी तक उस स्टेज पर बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जिनका माफीनामा आना बाकी है। तो मुझे लगता है कटारिया साहब नहीं चाहते कि जिस पार्टी ने उनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया उसको जीतने में मदद करे, क्योंकि राजसमंद में जाकर के जो भाषण दिया है निश्चित रूप से ये दीप्ति को हराना चाहते हैं, क्योंकि वो किरण जी महेश्वरी को नहीं चाहते थे और नहीं चाहते कि दीप्ति जीते, इसलिए वहां पर जाकर ऐसा भाषण दिया ताकि सभी समाज के लोगों को वहां पर भड़का सके। मेरा ये मानना है कि सभी समाज के लिए राणा प्रताप बहुत ही आदरणीय है, वंदनीय है और सभी को इस बात की ठेस लगी है, इसलिए निश्चित रूप से माफीनामा बहुत जल्द आना चाहिए, वरना हम उग्र आंदोलन भी करने को तत्पर हैं और हमारी पार्टी जनता सेना निश्चित रूप से इसमें कोई कठोर कदम भी उठाएगी। उदयपुर में करीब एक माह पहले MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में 4 दिन तक लावारिस अवस्था में पड़े रहे मृतक अरबाज खान के परिजन न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। उदयपुर में खुलेआम बिकता नशे का जहर एक परिवार से अपने लाड़ले को तो छीन चुका है, लेकिन परिजनों ने पुलिस से अरबाज को नशे का आदि बनाने वाले दीपक खटीक की गिरफ्तारी के साथ शहर के गली नुक्कड़ पर खुलेआम चल रहे इस नशे के कारोबार को खत्म कर युवाओं की जिंदगी बचाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि विगत 13 अप्रैल को संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एक ऑटो चालक ने अरबाज खान को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और तब से ही ऑटो चालक फरार है।
मृतक की शिनाख्त नहीं होने से शव को अस्पताल की मुर्दा कोठरी में रखवाया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ऑटो चालक की तलाश कर रही थी। शिनाख्त के अभाव में चार दिन तक शव मुर्दा कोठरी में ही पड़ा रहा। उसके बाद पुलिस ने मृतक के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए शिनाख्तगी के प्रयास किए। सोशल मीडिया पर अरबाज खान का फोटो देखकर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस ने शव सुपुर्द किया। बाद में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए ऑटो चालक दीपक खटीक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन करीब 25 दिन गुजर जाने पर भी न्याय नहीं मिला। ऐसे में परिजनों ने अपनी पीड़ा उदयपुर न्यूज को बताते हुए कहा कि सेक्टर 4 चौराहे पर नशे का अवैध कारोबार चलता है, जहां कई ऑटो चालक और नशेड़ी बैठकर नशा करते हैं। अरबाज भी नशे का आदि था, लेकिन कभी इंजेक्शन लेने जैसा नशा नहीं किया। जब परिजनों ने अरबाज का शव प्राप्त किया तो उसके सीधे हाथ की नस में इंजेक्शन देने के निशान थे। ऐसे में परिजनों ने हॉस्पिटल छोड़ने आए ऑटो चालक दीपक खटीक पर हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि दीपक ने ही अरबाज को नशे का आदि बनाया था और इंजेक्शन का नशा दीपक ने ही जबरदस्ती अरबाज को दिया। उदयपुर न्यूज कार्यालय पर पहुंचे अरबाज के भाई, बहन और माता ने बताया कि शहर की फिजाओं में घुलता नशे का जहर उनके लाडले को तो छीन ही चुका है, लेकिन अगर शहर से इस कारोबार को नष्ट नहीं किया गया तो ऐसे कई अरबाज मौत के घाट उतर जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रहे हिरणमगरी थानाधिकारी ने बताया कि अरबाज नशे का आदि था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार नशे की ओवरडोज की वजह से ही अरबाज की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है, लेकिन FSL की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम अनुसंधान किया जा सकेगा। मेरे भाई की डेथ 1 महीना पहले हो गई, 13 तारीख को। तो 13 तारीख को सुबह वो दीपक खटीक के साथ गया था, शाम को दीपक खटीक ने उसको उदयपुर में हॉस्पिटल में छोड़कर वो वहाँ से भाग गया। उसको पता चला इसकी मौत हो गई तो वो उसको वहाँ से छोड़कर भाग गया। और फिर तो आपको नहीं बताया? नहीं, हमारे घर वालों को किसी को भी सूचना नहीं दी, क्योंकि वो सबको जानता था, एटलीस्ट उसको बताना चाहिए था, लेकिन उसने हमारे को किसी को भी नहीं बताया। हमको न्यूज़ में वायरल हुआ तो मेरे भाई का फ़ोटो, तो हमको है ना 17 तारीख को शाम को पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो गई है। 13 तारीख से 17 तारीख को हॉस्पिटल में ही था, मोर्चरी में था, तो हमें बाद में फ़ोटो वायरल हुआ तब पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। मुकदमा दर्ज कराया क्या? जी, हिरणमगरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है हमने दीपक खटीक के खिलाफ। हम तो यही चाह रहे हैं कि सर है ना जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी है ना तो जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो भी ये नशे बेचते हैं करते हैं उनको नशा उन पे कार्रवाई करे सख्त से सख्त। आज हमारा भाई की डेथ हुई है, कल हम यूँ नहीं चाहते कि किसी और की भी डेथ हो इस तरीके से। इसीलिए पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे भाई का मुकदमा जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। दीपक खटीक जब मेरे भाई को जब इसकी डेथ होगी दीपक खटीक उसको अस्पताल छोड़ के और भग के चला गया, अस्पताल छोड़ के चला गया मेरे भाई को, और उसके साथ में था। वो बोल रहा कुराबड़ जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए, मैं तो कुराबड़ जाने घर से निकला, कुराबड़ जा रहा हूँ मैं, और दीपक खटीक के साथ गया वो। तो दीपक खटीक ने उसके क्या आगे नशे करता था, उसने नशे का आदि बनाया मेरे भाई को और ओवरडोज का इंजेक्शन दे दिया उसको, तो उससे क्या उसकी मौत हो गई। अब उस पर अब वो क्या है कि जितने भी हमारे हिरणमगरी बैठे रहते हैं शांति अपने मीनाक्षी होटल के सामने, सब वो नशे करते हैं ना, तो उस पर पुलिस वाले ना कार्रवाई कर रही है ना कुछ कर रही है। कि मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई करें, कल के आज मेरा भाई मरा कल और मरेंगे, इसलिए जल्द से जल्द पुलिस वाले उस पर नशों पर जितने भी नशे कर रहे हैं ये बेच रहे हैं इन पर कार्रवाई करें जल्द से जल्द पुलिस वाले। ये दीपक ने नशा दिया है उसको, उसके साथ में रहता था ये। राजसमंद जिले के शर्मा हॉस्पिटल की लापरवाही से सोमवार को एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीजों की मौत होना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शर्मा हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि प्रबंधन भी इतना लापरवाह है कि इनकी वजह से एक तीमारदार मौत की घाट उतर गई। जी हाँ, इस बार लापरवाही डॉक्टर की नहीं है और ना ही मौत किसी मरीज की हुई है, इस बार गलती हॉस्पिटल प्रबंधन की थी और यह लापरवाही शर्मा हॉस्पिटल पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप कोई नए नहीं है, पूर्व में भी कई बार डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीजों की जान का जोखिम बन गया था, जिसको लेकर हॉस्पिटल सुर्खियों में भी रहा था। लेकिन सोमवार को तो मरीज से मिलने आए तीमारदार की ही लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई।
परिजनों ने आरोप लगाया कि लिफ्ट मैन की गलती से महिला की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार मरीज के परिजन लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में ही लिफ्ट अटक गई और लिफ्ट मैन के साथ अन्य लोगों ने लिफ्ट से बाहर आने का प्रयास किया, जिसमें गार्ड तो कूद कर बाहर निकल गया और बाहर आने के प्रयास में महिला दरवाजे और दीवार के बीच फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से ही लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ और उनके परिवार का एक सदस्य इस दुनिया से चला गया। मैंने तो इधर जाने मतलब लिफ्ट में ऊपर आई थी बड़ा घर वाला होता ही रहा लिफ्ट में ऊपर मां बड़ा डोगरे मार घर वाला और भाई बहन और लिफ्ट में चला हुआ ये मतलब लारे आई रहा लिफ्ट में चला वाला नीचे उतर गया जब दरदम थोड़ी ऊंची रह गई लिफ्ट कहीं विवेगा मैंने खबर नहीं लिफ्ट अतरी की खाली जड़े नहीं उतरे नहीं लिफ्ट खराब वेगा गई वेगा जैसे लिफ्ट में माने गाड़ी तो खाट मतलब तो लिफ्ट ऊंची सकी तो बहुत फट गई थोड़ी लिफ्ट खाट नो जहाँ बता ही रहा मैंने देखी नहीं अच्छा वो लिफ्ट बच्चे फंस गई गेट हो बच्चे गेट रहे और मैंने बॉडी फंसी गई कंडी गलती गलती लिफ्ट में नहीं लिफ्ट में गलती हॉस्पिटल की गलती लापरवाही आ रही थी लिफ्ट खराब लगी लिफ्ट तो उतरी क्योंकि खुले जाते सड़ी नहीं उतरी नहीं सड़ी नहीं उतरी देवेंद्र भाई आए थे देवेंद्र भाई लेने के उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाइएगा ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर दुर्ग स्ट्रैंड एंड इवेंट विद फ्लावर डेकोर बैच थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक सगाई हल्दी मेहंदी पूल पार्टी संगीत फेरे रिसेप्शन व विदाई तक टेंट लाइट खाना खजाना कैटरिंग फ्लावर डेकोर बैंड घोड़ी डोली पालकी बग्गी लवाजमा दुल्हन एंट्री शहनाई डोल बसाफे पूरा पैकेज लीजिए एक कॉल कीजिए घर बैठे सुविधा पाइए 4999999772 और 7976981099 एड्रेस यूनिवर्सिटी सोफिट रोड शोभागपुरा नंद भवन गार्डन के सामने नोट साफे किराए पर भी मिलते हैं प्रोपराइटर दुर्गेश मावट AHA Airline and Hotel Management Academy उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 12th के बाद करियर की चिंता पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन डिप्लोमा इन कैबिन क्रू एयर होस्टेस ग्राउंड स्टाफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग फॉरेन इंटर्नशिप दुबई थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर में ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस स्पोकन इंग्लिश फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस योगा स्विमिंग जिम क्लासेस इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो स्पाइसजेट विस्टारा एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में AHA द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द बैचलर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिग्री इन एविएशन एंड टूरिज्म विद 100% जॉब प्लेसमेंट इन द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एडमिशन ओपन फर्स्ट फ्लोर पैराडाइज कॉम्प्लेक्स अपोजिट अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर 11 उदयपुर कॉल इट 7023144442 8107392702 वेबसाइट www.aha-udaipur.com अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित दो मंजिला भव्य शोरूम जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज अनेक तरह के डाइनिंग टेबल सोफा सेट डबल बेड विथ मैट्रेसेस अलमारी मंदिर स्थान प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स अपना घर सजाने के लिए केश की चिंता छोड़ दीजिए अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना हॉस्पिटल होटल्स कॉलेज कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स
चार प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरण मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जेपी आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक, कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश, कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ, अभिभावकों से निरंतर संपर्क, गाइड, योग एवं खेल की सुविधा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA MEd गोल्ड मेडलिस्ट, मोबाइल नंबर 7597760526, फोन नंबर 0294242067902942406। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सख्ती अपनाते हुए जागरूकता को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया है। रविवार को जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं के बीच हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सोमवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार और अन्य आला अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ मिलकर शहर में मास्क वितरण किए हैं। यही नहीं, शहर के बाजारों में पैदल घूमकर लोगों को मास्क बांटने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की भी अपील की है। इस दौरान धानमंडी क्षेत्र में 2 कपड़ों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देख उन्हें सीज करने की कार्रवाई भी की। वहीं बापू बाजार में एक बुक स्टोर पर नियमों की अवहेलना करने पर उसका चालान काटा गया। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि रविवार को उदयपुर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को देखते हुए सभी धर्म गुरुओं और उनके प्रबंधकों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें आगामी 10 दिनों के लिए शहर के सभी धार्मिक स्थल बंद करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में सुझाव आया कि सभी धर्म गुरु जिला प्रशासन और पुलिस के साथ सोमवार को मास्क यात्रा निकालें और बाजार में लोगों को जागरूक करते हुए मास्क वितरण भी करें। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि अभी भी शहर के 5-10% लोग लापरवाह हैं, कुछ दुकानदार भी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन पर ठोस कार्रवाई करते हुए दुकानें सीज की जाए। SP डॉक्टर राजीव पचार ने कहा कि 3-4 दिनों से उदयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे में पुलिस कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर सख्ती अपनाते हुए चालान और सीजिंग की कार्रवाई कर रही है। देखिए, कल जितने कोरोना के केस उदयपुर में आए थे, आप उन सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उसी के दृष्टिगत कल सारे धर्मगुरुओं के साथ एक धार्मिक स्थल के जो प्रबंधक है उन सबके साथ बैठक करी थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि सब लोगों ने सहर्ष अगले 10 दिन के लिए सारे धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद करने का सुझाव मान लिया। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ
कि उन्होंने इस संकट के दौर में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, एक अच्छी पहल की, वो सब बधाई के पात्र हैं। कल की बैठक में ये सुझाव आया था कि कल सारे धर्मगुरुओं के साथ हम बाजार में जाएंगे और हम लोगों को जागरूक करेंगे, सतर्क करेंगे कि कोरोना से बचने के लिए जो जो उपाय बताए गए उन सारे उपायों को हम करें, जिसमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम पूरे पिछले एक घंटे से बाजार में हैं, हम देख रहे हैं कि 5 से 10% लोग अभी भी लापरवाह हैं और कुछ दुकानदार भी लापरवाह हैं। एक तो मैं सारे दुकानदारों को ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने किसी तरह के कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना नहीं करी, बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के दुकान रखी, ग्राहक अगर बिना मास्क के मिले तो उसके सीजर की कार्रवाई होगी। इसलिए अच्छा होगा कि वो लोग इसकी पालना कराएं। और सारे आम जन को मैं अपील करूंगा कि कोरोना से बचने के दो ही तरीके हैं, टीकाकरण और मास्क। इन दोनों की हम कड़ाई से पालना करें तो इस संकट का जो दौर है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम लोग उदयपुर को एकदम सुरक्षित रख पाएंगे। ये पिछले 3-4 दिन से जयपुर में, उदयपुर शहर में कोविड के जो केसेज हैं बड़ी तेज़ी से बढ़े, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एनफोर्समेंट के सारे काम किए जा रहे हैं, दुकानें सीज हो रही हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान सीज किए जा रहे हैं, चालान लगातार काटे। आज ये धर्मगुरुओं के साथ एक जन जागरूकता का हमने अभियान शुरू किया। बाजार में जो लोग मास्क नहीं पहन के निकले उनसे अपील की जा रही है कि मास्क पहन के निकलें, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखें ताकि पुलिस को अनावश्यक जब्ती नहीं, सीजर नहीं करना पड़े दुकानों का। आज 2 दुकानें इस संबंध में सीज भी की। अलग साहब हैं, सारे धर्मगुरु हमारे साथ हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस अपील के परिणाम पॉजिटिव देखने को मिले। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के जनाना वार्ड में नर्सिंग स्टाफ कर्मी की लापरवाही से वार्ड आया की मौत होने का मामला सामने आया है। इस मामले में सोमवार को सभी वार्ड आया जनाना हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित हो गई और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सभी ने उदयपुर न्यूज़ को बताया कि 28 मार्च को वार्ड आया राजकुमारी जनाना वार्ड 8 में कार्य कर रही थी। इस वार्ड में कोरोना संक्रमित महिला भर्ती थी। इस दौरान यहां ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मी ने राजकुमारी को उस पॉजिटिव महिला का पलंग साफ करने को कहा। राजकुमारी ने डायबिटीज से ग्रसित होने की वजह से स्वयं को किट देने की मांग की, लेकिन नर्सिंग कर्मी ने किट देने से मना कर दिया और दबाव बनाते हुए पलंग साफ करने को कहा। इसके बाद राजकुमारी ने पलंग साफ भी किया और वह खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई। 11 अप्रैल को इलाज के दौरान राजकुमारी की मौत हो गई। इस घटना के बाद हॉस्पिटल की वार्ड आयाओं में आक्रोश व्याप्त है। सभी ने मृतक वार्ड आया के परिजनों को मुआवजा देने के साथ दोषी नर्सिंग कर्मी को सस्पेंड करने और सभी वार्ड आयाओं को पीपीई किट उपलब्ध कराने की मांग की है। मैं मेरे बहन राजकुमारी के साथ हुए ना इंसाफी के साथ कार्रवाई करना चाहती हूँ। जिस स्टाफ ने मेरी बहन से जबरदस्ती काम करवाया, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ। मेरी बहन ने बोला था मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं बेड साफ नहीं करूं, और ये काम उनका था भी नहीं, ये काम उस स्वीपर का था। तो भी उस 28-29 तारीख की नाइट में जो स्टाफ थी ना, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी बहन से काम करवाया। वो शुगर पेशेंट है, उन्होंने कहा मैं कर भी लूं तो मेरे को किट दे दो, तो किट देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ना किट तो सिर्फ भाइयों को नहीं दिया जाता है। तो भी उन्होंने ज़बरदस्ती बेड साफ कराया, उन्होंने किट नहीं दिया, और किट नहीं देने की वजह से उन्होंने ऐसे काम करा, इस वजह से वो पॉजिटिव आए। 28-29 तारीख की नाइट से वो बीमार थे। फिर अभी 11 तारीख के इनके सीरियस ज़्यादा हो गए, डेथ हो गई, और उनके वजह से उनके सासू जी की भी आज डेथ हो गई, और उनका लड़का भी पॉजिटिव है, बहू भी पॉजिटिव है। अब नर्सिंग स्टाफ तो हाथ खड़ा कर दिया, नर्सिंग स्टाफ को अगर है तो उनके लिए 50 लाख का बीमा है, और 5,000 रुपये वाली भाइयों के लिए क्या है। हमारे को, मेरे को सरकार से उनके लिए सब करना, और हमारे सब भाइयों के लिए भी हमारे कार्रवाई करनी है कि हम सब भाई 5,000 में जो वो कर रही है उनके लिए भी है ना कुछ सुविधा उपलब्ध कराए, हमारे सबको फिक्स में करे। हम भी ऐसे हम नहीं काम करेंगे ऐसे, तो इसलिए हम सब हड़ताल पे उतरेंगे। अभी हमारे भाई जी की बहन की कोरोना पॉजिटिव इनकी डेथ हो गई है, तो ये हमारे सिस्टर जी ने बहुत गलत किया है, क्योंकि ये जब ये बता रहे हैं मैं शुगर बीपी और ये हार्ट पेशेंट हूँ, तो इनसे इनको काम कराने नहीं चाहिए था, पड़ा रहता काम तो सुबह हो जाता। अब इनकी वजह से भाई जी की डेथ हुई। जो भी वो सिस्टर जी हो, उनको हमारे सब भाइयों को यही कहना, या तो उनको सस्पेंड किया जाए, या फिर हमारे भाइयों के मतलब पूरी सिक्योरिटी के साथ हमारे भाइयों की कुछ ना कुछ सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे पूरी व्यवस्था की जाए भाइयों की। क्यों बताया आपने किसी को? हाँ जी, इस बारे में ऊपर भी बताया होगा ना आपने? ऊपर बताया, ऑफिस वाले जान रहे हैं, हमारे सब कार्रवाई सुबह से हम यही कर रहे हैं, और हम सब भाइयों की मतलब इन इन्हें सरकारी वालों के पास हमारे लिए कोई भी
कोई भी उपाय नहीं है। और भाइयों को तो ये बिल्कुल ही कचरे ही समझते हैं, हमको ग्लव्स भी मांगते हैं ना इनसे, तो इनको बिल्कुल जोर आ जाता है सिस्टर जी को। ये वाली स्थिति है सर जनाना की। अब आप क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग ये है कि ये एक तो जो सिस्टर जी ने ऐसा कदम उठाया है, सिस्टर जी को सस्पेंड किया जाए। सबसे बात तो ये पहले ये है। और हमारे एक सिस्टर जी से नहीं है, हमारे बहुत सी सिस्टर जी बढ़िया भी हैं जो हमारे कहना मानती है, और कुछ ऐसी भी हैं जब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, तो क्या जरूरत पड़ी इनको ये इतना काम कराने की। अब उनकी भाई जी की डेथ हुई है सर, और है ना हमारे इनके भाई जी के ससुर जी की भी आज सुबह डेथ हो चुकी है। बेटा पॉजिटिव है, बहू पॉजिटिव, उनका पूरा घर बिखर गया सर। तो हमको इंसाफ चाहिए बस कुल मिला के। मैं स्टाफ का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे भी डराया धमकाया जा रहा है कि भाई जी आप कुछ नहीं बोलोगे, अगर आप बोलोगे तो आपको भी जो सुविधा दी जा रही है वो भी नहीं दी जाएगी। तो मुझे भी डराया धमकाया जा रहा है, और बार बार बोला जा रहा है कि आप उनके पक्ष में मत बोलो, जो मर गया आप क्या मिलने वाला है, आप क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, बस यही बात से मेरे को डराया जा रहा है। किसकी गलती सामने आ रही है? उसमें स्टाफ की गलती, हमें कितनी दिया जा रहा है, और बोलते हैं कि आपको कभी मना करा, मना क्या, हमें बोला ही नहीं गया, तो फिर कहेंगे कैसे? अब क्या मांग कर रहे हैं? तो हम तो हमारे हित में बोलना चाह रहे कि पूरे भाई जो की तरफ ही हूँ मैं भी, कि जो जिनके हित में ही खड़ी हूँ मैं, कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे लिए जो जो भी सुविधा है वो पूरी करी जाए। और बोलते हैं कि भाई जो भी लेके इतनी है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाए, हमारे भी परिवार है, बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमें भी कुछ ना कुछ ठेके में है, तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, कि हमें फिक्स में करा जाए, 5,000 रुपये में क्या होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए भी थोड़ा हित में लड़ा जाए और हमारे लिए कुछ बोला जाए। उदयपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ने से चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ऐसे में सीएमएचओ ने गंभीर होते हुए कहा कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में 80% पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए तो आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। डॉक्टर खड़ारी ने कहा कि हमें हर दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिव ही मानना है और बिना मास्क वालों को टोकना भी होगा। इसके अलावा हॉस्पिटल में बेड की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट और निजी हॉस्पिटल में कुल 2,063 बेड हैं, जिसमें 929 बेड भर चुके हैं। वहीं ऑक्सीजन वाले 711 बेड हैं, जिसमें 387 बेड भर चुके हैं। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू में 139 बेड हैं, जिसमें भी 119 भर चुके हैं। उदयपुर ज़िले में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उसका 80% पॉजिटिव केसेस उदयपुर शहर और एडजेसेंट एरिया में आ रहे हैं। उदयपुर शहर में अभी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, और मैं आपके माध्यम से बार बार यही निवेदन करूँगा कि इससे बचें, ताकि कोरोना के संक्रमण से हम रोकथाम कर सके, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं अभी। और जिस तरह से बार बार कलेक्टर के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा अपील की जा रही थी, और हमारे जो कम पॉजिटिव थे, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक थे मार्केट में, उन्होंने फैलाना चालू किया। अगर 5 जने 25 को फैला रहे हैं तो 25 पॉजिटिव हो गए, फिर 25 अगर 125 को फैला रहे हैं तो 125 पॉजिटिव हो गए, 125 कितने फैलाएंगे। तो इसी तरह से संक्रमण फैला है। मैं शुरू से एक ही अपील कर रहा हूँ कि हमारा हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा से हर जो भी हमारा वृद्ध व्यक्ति है, वो यूँ समझे कि मेरे सामने, मेरे टच में आने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक नहीं हो, तो उससे मैं कैसे बचूँ। अगर मैं सब्ज़ी खरीदने जा रहा हूँ तो सब्ज़ी खरीदते वक्त बहुत सारे लोग होते हैं, अगर मैं कोई मार्केट में सामान लेने जा रहा हूँ तो मैं खुद मास्क पहनूँ और सामने वाले को टोकूँ कि किस तरह से मास्क तेरे को पहनना है, और रोको टोको अभियान से, और कोशिश करें हम अनावश्यक भीड़ का हिस्सा नहीं बने। अभी भी हमको संभलने की ज़रूरत है। अगर मैं हॉस्पिटल बेड की बात करूँ तो हमारे उदयपुर ज़िले में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 2,063 बेड हैं, उसमें से 923 भर चुके हैं, 44% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। ऑक्सीजन बेड 711 में से 387 भर चुके हैं, और आईसीयू बेड जिसपे वेंटिलेटर नहीं है 140 में से 119 भर चुके हैं, और आईसीयू बेड जिसपे वेंटिलेटर है 217 में से 126 भर चुके हैं। अगर हम परसेंटेज देखें तो टोटल बेड का 44%, ऑक्सीजन के बेड 54 भर चुके हैं, आईसीयू जिसपे वेंटिलेटर नहीं है 85 भर चुके हैं, और वेंटिलेटर 58 भर चुके हैं। जो आईसीयू और ओटू बेड हैं इनके परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो हमको संक्रमण को फैलने से रोकना ही होगा, क्योंकि जितने भी संक्रमण पॉजिटिव आते हैं उसका परसेंटेज 10-14% लोग सिम्टोमेटिक होकर हॉस्पिटल जाते हैं। एक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर मैं कोरोना संक्रमित हूँ, बहुत सारे को लोगों को ये शक रहता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मुझे हल्का फुल्का फीवर है और सर्दी जुकाम है और बॉडी एक है, ठीक है, जो हॉस्पिटल से दवाई मिल रही है वो ले लें,
इसके अलावा अगर मुझे तेज़ बुखार है 100 डिग्री ज़्यादा है, कंटिन्यू दो तीन दिन हो गए, तो मुझे सीटी कराना चाहिए। सीटी कराने से क्या है कि लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो पूरा दिख जाता है। जो HRCT स्कोर होता है 25 बाई कितना है, 1 से 8 है वो माइल्ड होगा, 8 से 15 अगर स्कोर आता है तो वो मॉडरेट होगा, और 15 से ऊपर है वो सीवियर होगा। हम होम डे केयर पे भी रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरत है रेमडेसिविर इंजेक्शन की तो डे केयर पे भी लगा सकते हैं। कोई हाई रिस्क ग्रुप में इसका स्कोर अगर अबव 15 आ रहा है तो हर किसी को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं, रेमडेसिविर की भी किल्लत है, जिसको ज़रूरत है वही लगाएं। इसके अलावा हम बहुत जल्दी किस मेडिकल स्टोर पर कितने फैल रहे वो भी लिस्ट जारी कर देंगे, ताकि जो कालाबाजारी हो रही है उस पर भी रोक लग सके। होम आइसोलेशन जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, उनको घर पे रोकना है। जिसको हल्का फुल्का फीवर है, हल्का सर्दी जुकाम है, हल्का बॉडी एक है, इनको घर पे रुकना है। अगर वो पल्स ऑक्सीमीटर खरीद कर रख ले, पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सेचुरेशन नापते रहें, अगर वो 95 से ऊपर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को एक अलग रूम में आइसोलेट करें, घर वालों से 6 फीट की दूरी मेंटेन करते हुए मिले, और मास्क का प्रयोग करें। घर वाले भी उसको खाना दूर से दे दें, मास्क लगा के दे दें, और अगर एक घर में 2 पॉजिटिव हैं तो दोनों एक रूम में भी रह सकते हैं। कहीं कि मेरे पास से क्वेश्चन भी आता है कि हमारे घर में 4 हैं, 4 कमरे में रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर 2 पॉजिटिव तो हाथ में रह सकते हैं, क्योंकि वार्ड में भी साथ में ही रहते हैं। और अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अगर आपको सांस में तकलीफ है, आपका सिचुएशन डाउन होता है, आपको नॉन स्टॉप बुखार आता है, तो 24/7 हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम काम करती है। वो रात को भी, सुबह भी 4 बजे, 5 बजे, 1 बजे उसको शिफ्ट कर लेते हैं। और अगर आप प्राइवेट में एडमिट हो गए हो और आपको अगर गवर्नमेंट में जाना है तो भी हमारे एम्बुलेंस लाके गवर्नमेंट में एडमिट करा रही है। हमारे गवर्नमेंट के जो ESI में बेड अगर भर जाते हैं तो हम सेक्टर 6 में रख रहे हैं, फिर MBGS में रख रहे हैं। किसी भी सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब नहीं मिलेगा कि हमारे बेड भर चुके हैं, हम एडमिट नहीं करेंगे। हमारे व्यवस्था है, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाते जाएंगे। लेक सिटी का अरावली हाइट्स ग्रुप शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर कुराबड़ की टोड़ी पंचायत में 1100 प्लॉट की स्कीम लेकर आया है। सोमवार को ग्रुप की ओर से टेकरी स्थित एक निजी होटल में स्कीम की लॉन्चिंग भी की गई। इस अवसर पर प्लान ओनर मुकेश शर्मा, कुशाग्र नागदा, प्रकाश जैन, कमल कुमार सहित करीब 35 लोग मौजूद रहे। इस स्कीम के तहत 12 महीने में 3,000 की किस्त जमा करनी होगी। हर महीने की 15 तारीख को प्लॉट खोले जाएंगे। इसके साथ ही पहले महीने में स्कीम के तहत स्कूटी, तीसरे महीने में LED, पाँचवें महीने में फ्रिज, सातवें महीने में वॉशिंग मशीन, नवें में 10 ग्राम सोना और अंतिम 11वें महीने में बाइक भी खुलेगी। इसके अलावा भाग्यशाली खरीदार के 1100 रुपये में ही प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई जाएगी। इन प्लॉट्स की साइज 1000 स्क्वायर फीट है। आज हमने अरावली हाइट्स के नाम से नया प्लान लॉन्च किया है, जो उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर है। ये रेजिडेंशियल प्लान है, इसमें सदस्य को जो है 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने तक जमा कराना। इस बीच में अगर उसका लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है तो उसको उतने रुपये ही जमा करके और उसको प्लॉट उसको दे दिया जाएगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा में पत्रकार को धमकी देने वाले स्कूल संचालक को गोगुंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोगुंदा में संचालित सेंट मैथ्यूज स्कूल के संचालक संदीप मैसी ने गोगुंदा के एक पत्रकार को स्कूल के निरीक्षण की खबर नहीं चलाने को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आनन फानन में स्कूल संचालक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गोगुंदा के सरपंच व वार्ड पंचों ने निरीक्षण किया था, जिस पर गोगुंदा के पत्रकार ने वीडियोग्राफी की थी। सघन कोरोना काल में भी पूरे राजस्थान के स्कूल बंद थे, लेकिन संचालक द्वारा अवैध वसूली के नाम पर स्कूल का संचालन किया गया था, जिस पर BEO अंबालाल खटीक ने निरीक्षण कर कार्रवाई की थी, लेकिन उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। सलुम्बर उदयपुर रोड स्थित बैद्यनाथ महादेव मंदिर पर पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की अपनी सदियों की परंपरा के अनुसार COVID-19 के चलते समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा ध्वजा परिवर्तन की गई। वहीं पंडित भूपेंद्र चौबीसा के नेतृत्व में पंडितों द्वारा प्रातः 11 बजे भगवान बैद्यनाथ का मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक एवं क्षोड़ोपचार पूजा के साथ मंत्रोच्चारणों के बीच विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक पूजन कर विजया श्रृंगार धराया गया।
वहीं समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण देवड़ा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत राज्य सरकार एवं सलुम्बर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार ध्वजारोहण की हमारी सनातनी परंपरा को निभाते हुए सलुम्बर पीपा क्षत्रिय समाज की ओर से बैद्यनाथ महादेव मंदिर पर प्रतीकात्मक सूक्ष्म रूप से सोमवार को ध्वजा परिवर्तन अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया गया। समाज बंधुओं द्वारा अपने अपने घरों पर मोदक बांधकर महादेव को भोग धराया गया। उदयपुर के एक छोटे से कस्बे वल्लभ नगर में रहने वाले शंकरलाल गुर्जर ने दुबई में अपने झंडे गाड़े हैं। वल्लभ नगर तहसील की तारावट ग्राम पंचायत के एक छोटे से गांव शोभापुरा के किसान परिवार में जन्मे शंकरलाल कई वर्षों पहले मुंबई चले गए थे और वहां 75 रुपए मासिक मेहनताना में नौकरी शुरू की, लेकिन अपने कुकिंग के जुनून के साथ ही कुछ वर्षों पहले दुबई चले गए और आज 3 कंपनियों के मालिक हैं। उदयपुर के छोटे से कस्बे में पले बड़े शंकरलाल ने दुबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर इतना विशाल आयोजन किया जिसे देखकर सभी प्रवासी राजस्थानी हैरान रह गए। शेराटन दुबई के क्रिक होटल टावर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वें जन्मदिन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें बिहार सरकार के लघु सिंचाई एवं SC/ST कल्याण सेवक संतोष कुमार सुमन बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बाबा साहब के साहित्य पर घोर डालते हुए श्रमिकों को खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। अंबेडकर ग्लोबल के चीफ एडवाइजर राजस्थान के वल्लभ नगर तहसील मुरड़िया निवासी समाज सेवी शंकरलाल गुर्जर ने दुबई में रहकर अंबेडकर के विचार और सिद्धांतों को जीवंत बनाते हुए आम जन तक पहुंचाने का बेहतरीन काम किया है। चित्तौड़गढ़ की डुंगला पंचायत समिति सभागार में प्रधान चुनाव के बाद साधारण सभा की प्रथम बैठक प्रधान बगदी बाई मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि बड़ी सादड़ी विधायक ललित ओसवाल थे। आयोजित बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि गत दिनों पंचायत समिति द्वारा विकास कार्यों के लिए जो बजट जारी किया गया उसमें भेदभाव किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में पंचायत समिति द्वारा किसी भी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। विकास अधिकारी ने सभी पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि सभी की सहमति लेकर ही किसी भी कार्य की स्वीकृति जारी करें जिससे कि साधारण सभा की किसी भी बैठक में या किसी कार्यालय में कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो। बैठक के दौरान पानी, बिजली, चिकित्सा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायक ललित ओसवाल ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पंचायत समिति की बैठक में कोई भी अधिकारी अनुपस्थित नहीं रहे। वह अपने विभाग की सारी जानकारी लेकर ही पंचायत समिति बैठक में पहुंचे। विधायक ललित ओसवाल ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पंचायत समिति की बैठक में कोई भी अधिकारी अनुपस्थित नहीं हो। वह अपने विभाग की सारी जानकारी लेकर ही पंचायत समिति बैठक में पहुंचे। साथ ही विधायक ओसवाल ने कहा कि पंचायत समिति में आने वाले हर जनप्रतिनिधि का मान सम्मान हो। वह प्रत्येक नागरिक जो अपना काम लेकर आए हैं उसका काम प्राथमिकता से किया जाए। दो हम पार्टी से खड़े हुए थे और एक चुनीलाल जी हमारे जनता जीत गए। हम तो 31 है, हम तो चाहते हैं सबकी सहमति से और सभी जो सरपंच साहबान है उनकी सहमति से। लेकिन साहब ये तो स्थिति नहीं हो कि मेरे जैसा व्यक्ति आपको फोन करके बात करता रहे और मेरे को जवाब सचिव साहब से हमारे पास तो आए नहीं। जब 25 तारीख का वो गाय पट्टी चेक किसने मेरे को भेजी थी, 25 तारीख के दिन मैंने प्रधान साहिबान के लेटर पेड पर लिख करके भिजवा दिया था, वो आज तक कैसे नहीं हुआ था ये बताया था। अच्छा उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको बारिश में करवा दें सुबह, वैसे भगवान से कहिए तो आपका बारिश हो जाएगी, काम हो जाएगा हमारा, तो ये तरीका नहीं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भाजपा ने फिर किया महाराणा प्रताप का अपमान, स्टार प्रचारक ने हल्के शब्दों में किया महिमा मंडन, चुनाव से पहले ही दीप्ति को हुआ भारी नुकसान, क्षत्रिय महासभा ने की कड़ी आलोचना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्त हुआ प्रशासन, लापरवाही करने वालों पर अब होगी दंडनात्मक कार्रवाई। राजसमंद के शर्मा हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंसने से महिला की हुई दर्दनाक मौत, लापरवाही के मामले में पहले भी सुर्खियों में रहा है अस्पताल। और पत्रकार को धमकाने वाले सेंट मैथ्यूज स्कूल संचालक को किया गिरफ्तार, न्यूज कवरेज के दौरान वीडियो फोटो नहीं बनाने को लेकर दी थी धमकी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, संभाग की तमाम हलचल को लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।